हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो वैक्सीनेशन का ले रहे हैं। वैक्सीनेशन की हम थ्योरी और क्वेश्चन दोनों कवर करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके वैक्सीनेशन का पार्ट वन है। इसके बाद पार्ट टू और पार्ट थ्री में कंप्लीट वैक्सीनेशन के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, नवीन है मेरा नाम, और बढ़ते हैं वीडियो पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय, वैक्सीनेशन सबसे पहले किसने परफॉर्म्ड किया था? पहला जॉनस, जॉनस कुछ भी नहीं, ऐसा जॉनस ने कुछ किया नहीं था। लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर जिसने प्रिवेंशन या प्रिंसिपल जिसने दिया था, प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन लुईस पाश्चर दिया था। पाश्चराइजेशन इन्होंने दिया था, और इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने दिया था वो था एक जर्म थ्योरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जर्म थ्योरी किसने दी थी, तो जर्म थ्योरी भी किसने दी थी? लुईस पाश्चर ने। तो आपका ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया, क्योंकि लुईस पाश्चर ने प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन दिया था, वैक्सीनेशन फर्स्ट इन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। नेक्स्ट आंसर सी, यस आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एडवर्ड जेनर ही वो थे जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीनेशन परफॉर्म किया था। नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स का की खोज की थी, जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज जो की थी, दैट इज द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? आंसर सी। देखते हैं डिस्क्रिप्शन। यस, जो फर्स्ट वैक्सीन जो इन्वेंटेड की थी वो किसमें की थी? फॉर द स्मॉल पॉक्स, है ना। जेनर ने ऑब्जर्व किया था कि इंडिविजुअल जो एक्सपोज है किससे? काउ पॉक्स से, सच एज हु हैज़ अ मिल्क काउ, जो मिल्क काउ ले रहे हैं, स्पेशली पहली बार 13 ईयर्स ओल्ड बॉय में इसको ढूंढा था इस वैक्सीन को, है ना। उसमें ऐसे सिम्टम्स दिखे थे, देन हॉर्स से इसको अलग किया था। वो डेवलप्ड अ माइनर स्किन लीजन, देन बी इम्यून टू स्मॉल पॉक्स, मतलब स्मॉल पॉक्स के लिए उन्होंने पहली बार वैक्सीनेशन खोजा था। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन टू, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है वो कब स्टार्टेड किया था? 1870 में, 1974 में, 1976 में, 1985 में। तो देखो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन डी कंफ्यूज कर सकता है, एक ऑप्शन बी कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर बी। क्यों? बढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन में। जो फर्स्ट टाइम WHO, दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने लॉन्च किया था EPI, दैट इज द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। लेकिन इन 1985 यूनिसेफ ने इसको रीनेम कर दिया EPI को UCI, दैट इज़ अ यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये दोनों सन आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो 1985 का था उसमें क्या इंक्लूड किया गया था? पहला, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेगनेंट मदर, प्रेगनेंट मदर को इम्यूनाइजेशन करना है। बी, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, जो 5 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनको इम्यूनाइज करना है। तीसरा, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट मदर एंड बच्चों को इम्यूनाइज करना है, ऑल काइंड ऑफ, इसमें सभी काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन आ गए। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था उसमें प्रेग्नेंट मदर और बच्चों को दोनों को ही ऐड किया था। तो बट द आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। दैट इज़ अ स्मॉल पॉक्स का मैंने इससे पहले क्वेश्चन लिया था, तो मैं स्मॉल पॉक्स के और क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपके स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो वैक्सीनेशन में है वो क्लियर हो जाए। तो द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वर रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन, जो लास्ट केस था, देखो आप क्वेश्चन को समझना, जो रिपोर्ट किया था ना, बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। इरेडिकेशन का अपन को तो याद रहता है, तो हम सीधा आंसर पे इरेडिकेशन वाले पे चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई कब रिपोर्ट किया गया था, है ना। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1977 में, 1978 में, 1979 में, या 1982 में। तो इसका जो आंसर है वो आंसर ए है। आप डिस्क्रिप्शन देखिए कि लास्ट केस और जो स्मॉल पॉक्स का रिपोर्ट किया गया था वो 26 अक्टूबर 1977 में सोमालिया, जो कि अफ्रीका में है, है ना। लास्ट केस सोमालिया अफ्रीका में किया गया था। और इंडिया का बहुत बार पूछा जाता है, इंडिया में 24 मई 1975, और लास्ट केस कहाँ था? बिहार में। ना ये भी क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन, और ये है मेन क्वेश्चन जो आपका बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि इरेडिकेशन कब हुआ था। पहला क्वेश्चन पूछा जाता था इंडिया में कब हुआ था, और दूसरा पूछा जाता वर्ल्ड में कब हुआ था। तो इंडिया में हुआ था अप्रैल 1977 को, और वही वर्ल्ड में हुआ था 8 मई 1980 को। वर्ल्ड में ये डिक्लेयर कर दिया था कि इट इज़ इरेडिकेटेड,
है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी, बहुत बार पेपर में स्पेशली सीएचओ वाले प्रोग्राम में या सीएचओ वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इनका फेवरेट रहता है ना। तो याद रखिएगा ना, चूँकि स्मॉल पॉक्स चल रहा है तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में क्या कंटेन रहता है? पहला लिविंग वायरस होता है, लिविंग माइकोबैक्टीरियम होता है, तीसरा अटेन्यूटेड वायरस होता है, चौथा अटेन्यूटेड माइक्रोबैक्टीरियम होता है। तो स्मॉल पॉक्स में जो होता है वो क्या होता है? लिविंग वायरस होता है ना, जो वायरस होता है वो लिविंग होता है और लिविंग आप इंजेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BCG वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय कौन से सन में? डिस्कवर्ड इन आना चाहिए, डिस्कवर्ड इन कौन से सन में? 1921, 1957, 1923 या 1927। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वो आंसर जाता है डी, है ना, 1927 को। नेक्स्ट द टाइप ऑफ BCG वैक्सीन इज, BCG वैक्सीन किस टाइप का है? कैल्ड वैक्सीन है, ट्रिपल वैक्सीन है, लाइव अटेन्यूटेड है, कंबाइंड वैक्सीन है। ये बहुत बार आपके वैक्सीन लाइव हो सकते हैं, किल्ड हो सकते हैं, अटेन्यूटेड होते हैं, इनके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, है ना। इनके बारे में आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा जब मैं टाइप इसके सीरीज़ में थर्ड में, जब मैं लास्ट सीरीज़ में आऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा। तो अभी जो ये है आपका वैक्सीन वो है लाइव अटेन्यूटेड। द करेक्ट आंसर इज़ सी, इज़ योर करेक्ट आंसर। BCG होता है वो लाइव अटेन्यूटेड होता है, इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेंस को ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जितने भी लाइव वैक्सीन है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं, हाँ है ना। तो करेक्ट आंसर इज़ सी। नाउ अब आप इसकी सभी चीज़ों को समझिए BCG के बारे में। पहला क्वेश्चन, BCG की फुल फॉर्म के नाम पे हमेशा पूछा जाता है, तो BCG का फुल फॉर्म है बैसिले कैल्मेटिक ग्यूरिन, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। दूसरी चीज़, ये कैसा प्रिपरेशन है? ड्राइड प्रिपरेशन है ना। लिविंग होता है अटेन्यूटेड, अटेन्यूटेड इन द सेंस कि जो उसकी तो जो पैथोजन, जो मतलब डिजीज प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर रखा है ना। और लिया किससे जाता है? दैट द ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइकोबैक्टीरियम बोविस से, माइक्रोबैक्टीरियम बोविस से कल्चर करके इन बैक्टीरिया को वहां से अलग किया जाता है ना। नेक्स्ट इट इज़ यूज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट पल्मोनरी टीबी, मेनली ये किसके अगेंस्ट इम्यूनिटी देता है? पल्मोनरी टीबी, कुछ EPTB जैसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी में आपका ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस को भी देता है, और कुछ प्रोटेक्शन ये देता है लेप्रोसी में, दैट इज़ द वेरी वेरी, देखो ये सभी क्वेश्चन है आपके, किसके अगेंस्ट इम्यूनिटी देता है? तो पल्मोनरी टीबी, EPTB में कौन है? तो ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में, और कुछ इस किसको देता है प्रोटेक्शन? लेप्रोसी में। नाउ ये आपका नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन है कि इसको कौन से रूट से देते हैं? तो इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। कौन से रूट से देते हैं? इंट्राडर्मल, और जो सिरिंज होती है वो ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है, 26 गॉस की सिरिंज होती है, उससे आप इंजेक्ट करते हैं। और कहाँ देते हैं? लेफ्ट डेल्टॉइड एरिया में, है ना। कौन से आर्म में देते हैं? देखो ये तीनों क्वेश्चन, पहला रूट का क्वेश्चन, दूसरा सिरिंज का क्वेश्चन, और तीसरा एरिया का क्वेश्चन। तो आपकी इस स्लाइड में तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं, है ना। ये एक स्लाइड नहीं है, आपके लिए 5 से 7 क्वेश्चन है। नौ बढ़ते हैं नेक्स्ट में, इसी से थोड़ा और डिस्कस करेंगे। वैक्सीन जो डिराइव की जाती है वो कौन से स्ट्रेन से की जाती है? डेनिश 1331, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जैसा मैंने बता रखा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये कल्चर करके निकाली जाती है। किस फॉर्म में अवेलेबल होती है? ड्राई फॉर्म में। आओ दैट इज़ द वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, डायल्यूट इन 1 ml डिस्टिल वाटर और NS। अगर NS, अगर आपके ऑप्शन में डिस्टिल वाटर और NS दोनों हैं तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी NS पे जाना चाहिए, दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, किस में डायल्यूट किया जाता है? NS में किया जाता है, वाटर में, तो दोनों में किया जाता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका? नॉर्मल सलाइन, है ना। किस डिग्री में स्टोर करते हैं? तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करते हैं, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन। एट बर्थ इसका डोज क्या रहता है? 0.05 ml, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन। अगर आप एट बर्थ BCG का वैक्सीन चूक जाओ तो 1 महीने के अंदर अंदर लगा सकते हैं, जो डोज क्या रहेगा? 0.1 ml। तो ये आपके सभी क्वेश्चन हैं, है ना। इसमें आप, इसमें भी आपके 5 से 7 क्वेश्चन इस स्लाइड में भी हैं, है ना। नेक्स्ट ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, यूज़ विद इन 2 to 3 to 4 hours आफ्टर डायल्यूशन। एक बार डायल्यूट करने पे आपको 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर यूज़ कर देना, बाकी आपको डिस्कार्ड करना है।
कौन सी नीडल यूज़ करते हैं, तो यूज़ 26 और टूबरकुलिन सिरिंज यूज़ करते हैं हम, है ना। और ये कितने साल के लिए एफिशिएंसी होती है, मेनली 15 से लेके 20 साल तक इसकी एफिशिएंसी होती है, किसकी, BCG वैक्सीन की। तो चलिए थोड़े और क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसा साइट ऑफ वैक्सीन, तो मैंने आपको बता दिया साइट ऑफ वैक्सीन क्या है, लेफ्ट डेल्टॉइड, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। नेक्स्ट ये नया क्वेश्चन है, अनयूज्ड BCG वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर, नहीं सॉरी इसके आ, आ, ये हाँ ये नया क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना है कि थोड़ा सा ऑप्शन इसमें ट्रिकी है ना, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। अनयूज्ड BCG वैक्सीन, जो यूज़ नहीं है BCG वैक्सीन, उसको आप कब तक डिस्कार्ड करेंगे। जैसा मैंने आपको बता रखा है पहले की स्लाइड में, मेनली हम 3 से 4 घंटों के अंदर हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे 4 घंटे भी है, 6 घंटे भी है, एट एंड ऑफ डे भी है, 2 आवर है। मेनली हम एट द एंड ऑफ भी डिस्कार्ड करते हैं, अगर कुछ नहीं होता तो हम एट एंड ऑफ डिस्कार्ड कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, तो यहाँ पे जो आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, 6 आवर, है ना, जो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है, दैट इज़ द बेस्ट आंसर, 6 आवर। मिनिमम 3 to 4 आवर के अंदर हमको डिस्कार्ड करना है, लेकिन अगर 6 आवर ऑप्शन में है तो हम 6 आवर के ऑप्शन में जाएंगे, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी इज़ द करेक्ट आंसर, नो ये उसमें मैंने ऐड नहीं किया, इसको मैंने क्वेश्चन फॉर्म में बना रखा है। इसको आप देखिए, आफ्टर गिविंग BCG वैक्सीन स्कार गेट फॉर्म, आपने BCG वैक्सीन दे दिया तो जो परमानेंट स्कार बनता है वो कब बनेगा, पहला 3 दिन में, दूसरा 2 वीक में, तीसरा 1 महीने में, चौथा 2 महीने। तो जो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, दैट इज़ द 2 मंथ इज़ योर करेक्ट आंसर, 6 to 8 वीक में आपका बनता है परमानेंट स्कार। आइए बढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन पे। पैप्यूल जो स्टार्टिंग का जो पैप्यूल 4 to 8 mm बनता है वो कब बनता है, 2 से 3 वीक में, और ये धीरे धीरे हीलिंग होने लगता है, और हीलिंग होने के बाद ये अप्रॉक्स 2 से लेकर 3 महीनों में ये परमानेंट स्कार आपका छोड़ जाएगा, है ना। द बेस्ट आंसर जो हमने चुना था वो 2 महीने था, है ना, तो 2 से 3 महीनों में ये कंप्लीट एक स्कार आपके लेफ्ट डेल्टॉइड आर्म में ये स्कार छोड़ जाएगा। सो BCG के बारे में इतना ही, कल हम और वैक्सीनेशन जो ओपीवी है, मिजल्स है, मम्स है, इसके बाद विटामिन ए है, इनके क्वेश्चंस और इनकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और नवीन है मेरा नाम, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।